देखो जो अच्छा बोलेगा ना उसका वीडियो आएगा, बाकी नहीं आएगा। अब तक मैंने वाइन दारू बियर क्यों नहीं पी, क्योंकि मुझे आजकल लोगों ने छोटी छोटी बोतल दी है। आज मुझे पहली बार बड़ी बोतल दी, आज मैं 100% पी के रहूंगा शाम तक, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक ही नहीं सकती। क्या ताकत मतलब सुमन मैडम के लिए कह रहे हो क्या कोई ताकत? सुमन मैडम नहीं, सुमन मैडम तो खुद कर रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग क्या शानदार मॉर्निंग हो रही है। मॉर्निंग के साथ चाय और प्रोफेसर अपनी चाय की मजे लेते हुए इस जगह घूमने के बाद में चाय पीने का मजा, और वो भी इस टाइप की अगर बारिश हो रही है और चाय पी रहे हैं तो मजा आ रहा है। मैं जो शुरू होते ही खत्म हो जा रहा है, अभी पूरा अस्त व्यस्त है। वुडन कॉटेज है, मस्त एसी लगा हुआ है, क्योंकि तीन लोग थे समझ सकते हो, एक बिस्तर नीचे लगा था, इस टाइप से रुके हुए भाई लोगों। ये प्रॉपर्टी है, उधर वॉशरूम है, नया मेंटेन्ड है क्योंकि अभी एक साल से कम हुआ है प्रॉपर्टी को, तो वॉशरूम भी ठीक है। तो अगर दो लोग आ रहे हैं तो रुका जा सकता है, बाकी बाहर का नज़ारा जो है ना एक नंबर है। प्रॉपर्टी है नासिक की, जहाँ पे आज रुके हैं हम लोग। इस टाइप के कॉटेजेज हैं, सिंपल कॉटेजेज हैं, अंदर से वुडन कॉटेजेज हैं, लास्ट में कुछ क्यूब्स भी हैं और कुछ इस टाइप का नज़ारा है जो कि अल्टीमेट दिखता है यहाँ से। ये अपने भाई लोग सुबह सुबह की मस्ती करते हुए नारियल के साथ, पीछे आप देख लीजिए गंगापुर डैम है, और ये इनका डाइनिंग एरिया है। सुबह के मजे ले रहे हैं भाई बीच पे दौड़ के, अपने प्रोफेसर साहब दौड़ लगाते हुए मस्त मजा लेते हुए। सुबह से खूब ही मजे कर लिए यार, कुश्ती भी कर ली, मस्ती भी कर ली, नाश्ता भी कर ली, और अब जो नज़ारे दिख रहे हैं ये है गंगापुर डैम नासिक का। निकलेंगे थोड़ी देर में अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है शुला वाइन यार्ड। है कुछ कचरा और? कचरा नहीं है, चलो इसको सारा कचरा जो है डिपॉजिट में खाली कर। खाली कर दिया इसमें, इसको रख लेते हैं, बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं काम आएगा। पहली गाड़ी है भाई आज की। वेलकम टू द सुला वाइन यार्ड। वीकडेज में 600 रुपीस का टिकट मिलेगा, वो टिकट नहीं है बेसिकली, आपका टोकन है, आप अंदर जाएं कुछ खरीदें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन बॉटल्स हैं, जो वाइन्स के शौकीन हैं वो समझ सकते हैं। इनकी जो फेमस है वो ये 6 तरह की वाइन है, और बड़ी बड़ी बोतल इन्होंने जो है डिस्प्ले में लगा रखी है, बड़ी अच्छी लग रही है। डिफरेंट काइंड की बॉटल्स ना, इसकी अच्छे से लो। ये क्या है कि हर बार बोलता मेरी लेते नहीं हो, लेते नहीं हो, कंप्लेन पूरी करता है ये। ये भाई ये प्रोफेसर की अच्छे से लो तुम यार, बहुत अच्छे से लेना भाई। हाँ तो हम दोनों तुम्हारी कल से ले ही रहे हैं और तुम हो इसको हमें फिर भी कंप्लेन कर रहे हो यार। नहीं ये दोनों अब लड़ाई कर रहे हैं इस बात पे कि किसने किसकी कितनी ली। वहाँ मत जा, अभी देख, अभी देख रहा हूँ, अभी देख। तो तुम लोग लड़ी इस बात पे रहे हो कि किसने किसकी कितनी ली। फोटो यार बता। मैंने बहुत ज्यादा ली है, इन्होंने कम ली है। फोटो बोलो, फोटो कहाँ ली है? देखो होटल में लिए, होटल में स्टार्ट हो गया मैं इसके यहाँ से, ठीक है। होटल में दड़ा दड़ ली थी, भेज वाली थी, 1 2 3 क्या हो गया ढंग से फोटो ले लो। तो ले तो ली फोटो, और क्या फोटो लेनी, बस और कुछ मत लेना। नहीं नहीं वो तो आएगी रिकॉर्डिंग एक बार।
अगर आपको नासिक आना है और नासिक आने के बाद में रुकने की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था आपको नहीं हो पा रही है तो सबसे बेस्ट जो अरेंजमेंट है वो है द सोर्स एट सुला। यहाँ आप रात को ढंग से रह भी सकते हो, सुबह इसको अच्छे से देख और सकते हो, दोस्तों के साथ मस्ती भी कर सकते हैं और गर्दन भी कट सकती है। लाफ अ लिटिल वाइन अ लॉट, हम लोग क्या करें, लाफ अ लॉट वाइन अ लिटिल। लव यान यार्ड का टेस्टिंग रूम है, one of the most visited vineyard tasting rooms in the world. More people taste their first wine here than any other place in the world. Praki, यहाँ लोग पहली बार यहीं टेस्ट करते हैं भाई, तुम शुरुआत कर दो आज। तो मुझे पहली बार स्टार्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें आज स्टार्ट करने के लिए तो लोगों ने बहुत ऑफर किया लेकिन आज मुझे रुका नहीं जाएगा। आज मुझे लग रहा है कि आज मैं पी लूंगा लास्ट में जाकर। आज रुक लेते हैं यहीं, ठीक है। बास्केट प्रेस क्या लिखा है, द बास्केट प्रेस वॉज फर्स्ट यूज मैकेनाइज डेवलप फॉर क्रशिंग ग्रेप्स, मतलब अंगूरों को क्रश करने के लिए। हम लोग आ गए हैं, ये 11 बजे खुलता है। मैं भी इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, बोलो कि जिंदगी में मैंने 37 साल में अभी तक वाइन और बियर और ये बिस्की ये अभी तक तो ली नहीं है, लेकिन आज देख के लग रहा है कि वाइन तो जस्ट ये अंगूर का ही जूस होता है तो क्यों ना इसको पी लिया जाए। तो आज पीने का पूरा मन बना चुका हूँ और आज शाम तक मैं ले चुका हूँ। अबे टेस्ट करना है, पीना नहीं, नहीं है। पीना है बस, पीना टेस्ट करना है। टेस्ट नहीं, बस फिर वो मुझे अभी तो नॉर्मल है, इसमें लग ही नहीं रहा कि कोई वैसे कोई नशे वाली बात है, तो बस अंगूर का जूस है तो पी लो उसको, रेगुलर पीने वाला है थोड़ा सा। सुला वाइन यार्ड से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। वीकेंड्स को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, 1000 रुपये का चार्जेस है। वर्किंग डेज या जो मंडे से फ्राइडे होता है 600 रुपीज़ का चार्जेस है। रुक भी सकते हैं, रिजॉर्ट भी है, इनके विलास भी हैं, और ये जो चार्जेस लेते हैं ना ये आपके कूपन्स हैं, आप पूरा आराम से घूम सकते हैं, फोटोग्राफी खूब सारी कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारी फोटोग्राफी की, काफ़ी सारी मज़े लिए, और क्योंकि ये बॉयज़ ग्रुप है एक तरह से तो पूरा मज़े ले रहे हैं, हर तरीके से खुश हो रहे हैं, मज़ेदार हो रहा है। वाइन कभी टेस्ट की नहीं है हम लोगों ने, शायद तीनों ने ही नहीं की है कभी। प्रोफेसर साहब का आपको सुनाएंगे अभी, वो क्या कह रहे थे, उनका भी इंटरव्यू हुआ है, आ सकते हैं, मज़ेदार है। बाकी आपको दिखाएंगे अंदर कैसा है क्या है, मस्ट विजिट प्लेस है। अगर रुक के सुबह विजिट करके यहाँ से आगे फर्दर जाएँ तो और ही मस्त है। ये भाई आ गए, तुमने कभी वाइन टेस्ट की है? नहीं, फर्स्ट टाइम। तो ये वी विल डेफिनेटली टेस्ट, वी विल बट बस गुस्सा क्यों कर रहे हो, प्यार से ये आज कर लिया जाए भाई टेस्ट, आज टेस्ट किया जाए आज। देखो जो अच्छा बोलेगा ना उसका वीडियो आएगा, बाकी तो क्या करते हैं। अब तक मैंने वाइन दारू बियर क्यों नहीं पी, क्योंकि मुझे आजकल लोगों ने छोटी छोटी बोतलें दी है, आज मुझे पहली बार बड़ी बोतल दी, तो आज मैं 100% पी के रहूंगा शाम तक, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक ही नहीं सकती। क्या ताकत, मतलब सुमन मैडम के लिए कह रहे हो कोई ताकत? सुमन मैडम नहीं, सुमन मैडम तो खुद ही कहती है पी लिया करो, सुमन मैडम तो खुद ही कहती है पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले कहते पीता क्यों नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आज शुरू करने की सोच रहा हूँ। टाइमिंग है 11 AM से 11 PM तक टेस्टिंग, टूर एंड टेस्टिंग अलग है, वीकडेज का टाइमिंग है, वीकेंड्स का टाइमिंग है, ये चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आप टूर कर रहे हैं खाली तो 200 रुपीज़ है, टेस्टिंग कर रहे हैं तो मतलब वाइन टेस्ट भी कर रहे हैं तो 600 रुपीज़ है अंदर का चार्जेस। हम लोग हो गए टी टोटलर भैया, हम लोग लेते नहीं हैं, तो हम लोग कर रहे हैं टूर। टाइम हो गया 11 बज रही है अभी, 11:30 बजे ये बैच में ले जाएंगे जब तक लोग वेट कर रहे हैं। क्यों भाई? Yeah. भाई लोगों, दुनिया की सबसे बढ़िया जगह है ये,
जितने लोग शौकीन है ना उस हिसाब से गजब वाइन शॉप है। वेदांत है, वेलकम टू सोलह विनियार्ड्स। थैंक यू। टेस्टिंग में हमारी ये छह वाइन्स हम लोग सर्व करते हैं, जिसमें ये फर्स्ट हमारी स्पार्कलिंग वाइन है, ये हमारी ग्लोबल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट वाइन है, इसको गोल्ड मेडल मिला है ग्लोबल लेवल पे स्पार्कलिंग वाइन्स के चैलेंज में। और इसका बहुत फ्रूटी कैरेक्टर्स है, बबली नेचर है, जब आप ग्लास में पोर करते हो तो बबल्स आते हैं। इसमें ट्रॉपिकल फ्रूट्स के नोट्स है, जैसे एप्पल्स हो गए, पेयर हो गए, पीचेस हो गए, और इसका कलर रोजे है। रोजे मतलब पिंक, तो पिंक कलर को फ्रेंच में रोजे बोलते हैं, इसलिए इसको इसका नाम है ट्रॉपिकल रोजे, क्योंकि इसमें ट्रॉपिकल फ्रूट्स के नोट्स है और इसका कलर पिंक है। सेकेंड वाइन है हमारी डिंडोरी रिजर्व शार्डने। डिंडोरी हमारे यहाँ से, डिंडोरी में हमारा यहाँ से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे डिंडोरी में एक और बड़ा प्लांट है वाइन का, और डिंडोरी इस वजह से उसका नाम है क्योंकि ये वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। शार्डने जो है एक वाइट वाइन की ग्रेप वैरायटी है। जब आप इस वाइन को स्मेल करते हो तो आपको सिट्रस फ्रूट्स के नोट्स आते हैं, जैसे लेमन हो गया, लाइम हो गया, ऑरेंजेस हो गया, जो भी सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं। इसका कलर वाइट रहेगा बट पेल येलो टाइप, ऐसा उसका कलर रहेगा, प्रॉपर वाइट नहीं रहेगा। ये हमारी रोजे वाइन है, रोजे फिर एक बार इसलिए क्योंकि वो पिंक कलर की है, और पिंक कलर को फ्रेंच में रोजे टर्म दिया गया है, इसलिए ग्रेनाश रोजे इसका नाम है। रोजे वाइन यूजुअली फ्रूटी नेचर रहती है, थोड़ा स्वीटनेस और सारनेस रहता है, बट ये टोटली ड्राई है, इसमें शुगर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, और ये प्रॉपर जो ग्रेप्स है उसे यू नो ब्रेक डाउन करके बनाया गया है। और ये जो सेकेंड दो वाइन्स है, ये दोनों रेड वाइन्स है। रासा हमारा सिग्नेचर वाइन का कलेक्शन है, और रासा इस वक्त यू नो इंडियन मार्केट में लाइक अ सिग्नेचर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है। रासा सेरा जो फर्स्ट वाइन है, ये काफ़ी एग्रेसिव रहेगी, काफ़ी ज़्यादा टैनिंस रहेगी, अगर आप इसको स्मेल करोगे काफ़ी एसिडिटी और अल्कोहल आपको फील होगा उसमें, टैनिंस काफ़ी ज़्यादा रहेगी, मतलब जब आप सिप लोगे तो आपका जो मुंह है उसमें आपको बहुत ड्राइंग सा नेचर फील होगा, जैसे जामुन खाने के बाद आपको फील होता है, माउथ फील जो होता है। सिमिलरली रासा कैबिने ये हमारी सबसे फ्लैगशिप वाइन है, अगर आप इसको टेस्ट करते हैं ये काफ़ी स्मूथ है, इजी टू ड्रिंक है। ये फ्रेंच ग्रेप वेराइटी है कैबिने सोविनियों, इसे 18 मंथ्स के लिए हमने फ्रेंच ओक बैरल्स में एज किया है, उसके बाद ये बॉटल होके यहाँ पे सर्व होती है। लास्ट हमारी सबसे बेस्ट रोलिंग वाइन है, फास्टेस्ट सेलिंग, इसका नाम है लेट हाउस शेनन ब्लॉन्ग। शेनन ब्लॉन्ग जो वाइट ग्रेप वेराइटी है काफ़ी एरोमेटिक होता है, वो जाना जाता है उसके स्मेल के लिए, उसकी स्मेल काफ़ी वाइब्रेंट होती है। जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो आपको हनी के और स्वीट फ्रूट्स के नोट्स आएंगे, टेस्ट में काफ़ी स्वीट है, अल्कोहल और सारी चीज़ें एकदम बैलेंस्ड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार प्लीज़ टेस्टिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाइन के प्राइसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट, इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। तरह के अंगूर होते हैं, हरे और काले, काले से रेड वाइन बनती है और हरे से, ये मशीनें जो देख रहे हैं इनमें क्रश किया जाता है इनको, फिर जूस सेपरेट किया जाता है। ये बड़े बड़े टैंक है, अराउंड 20,000 लीटर के टैंक, इन टैंक्स के अंदर उनको फर्मेंट किया जाता है फर्दर, और उसके बाद उसमें ईस्ट मिलाया जाता है जिससे उनका शुगर कंटेंट कम होता है, एल्कोहलिक कंटेंट बढ़ जाता है, और काफ़ी यहाँ पे इसको रखने के बाद, स्टोर करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग टाइप के, ये कम से कम कहते हैं कि लगभग 30 तरह की वाइन्स बनाते हैं। इनकी 6 जो हैं वो बहुत फेमस है जो आपको दिखाया, बड़े बड़े टैंक हैं जिनमें पूरी तरीके से इसको फर्मेंट किया जाता है, और ये है सबसे फेवरेट एरिया, स्टोरेज एज किया जाता है कम से कम 12 से 15 महीने तक, तब जाके बनती है शानदार वाइन। वाइन की स्मेल ही तगड़ी आ रही है ना। आ जाओ आ जाओ। ये तुम्हारा डुप्लीकेट मिल गया भाई, पूरा ये पीता होगा पक्का, हाँ ये पक्का पीता होगा। वाइन आप लोगों ने तो वाइन टेस्ट नहीं की ना आप लोगों ने की? बस मैं, अबे ये मेरे को दो दो क्यों दिख रहे हो? मैं नहीं लेता, ये है ना, ये आप ये लेता है क्यों? ये प्रकाश ये पीता है, ये चिंकी है, मिंकी है, ये चिंकी, ये मिंकी पीती है, ये नहीं पीता।
लेकिन तुम लोग मत पी ज्यादा लोड फूड, मैंने नहीं पी इसका पता नहीं, बोल ताकि ऐसे नहीं पागल हो जाएगा यार, मना करता हूँ मैंने नहीं पी इसका पता नहीं। लेकिन तुम लोग मुझे दो दो क्यों दिख रहे, दो उधर बैठे हैं दो इधर बैठे हैं, और इसको तो पांच दिख रहे थे अभी, शिव दिखते हैं, शिव को तो पांच दिख, सुलामा के पांच ही दिखते हैं, लोग भी सुन ले। ये वाइन का क्या हुआ, तुम कॉफी क्यों पी रहे हो भाई, तुम भी मेरा गिलास खाए, मैं भी कॉफी, ऐसा लग रहा है हम तीनों एक बार फिर से फेल हुए कॉफी पीने के, नहीं वाइन पीने के लिए, पीना चाह रहे थे उसका, मैं सोचा कि आज क्यों नहीं आज टाल देते, तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है, दिवाली में जाके पियेंगे आज, ये रियल टेस्ट, अब तक आपने नहीं पिया तो चलता था, लेकिन आज आप उस जगह आके नहीं पी पा रहे हो जहाँ उसका प्रोसेस होता है, बनती है वो, तो क्या खासियत है, नाम बताओ बिना देखे, बिना देखे नाम बताओ, सूला फैक्ट्री में, नहीं नहीं कौन सा ब्रांड है फैक्ट्री में, तुम बताओ, रोज वाइन है, रोजे रोजे वाइन, रोजे वाइन मतलब डेली लो और गुलाबी हो जाओ, ठीक है गुलाबी हो जाओ, बढ़िया। आज हम लोग सूला वाइन में आए हुए हैं और ये नासिक की सबसे बढ़िया जगह है, नासिक क्या मैं तो कहूँगा कि महाराष्ट्र या साउथ इंडिया की लगभग सबसे बढ़िया जगह है, इसमें देखो कैसी इतनी अच्छी जो वाइन है वो रखी हुई है, जो मन करे वो या पियो, लेकिन गलती मेरी है कि मैं अभी तक पी नहीं पाया हूँ, और लग रहा है कि आज शाम तक पीना चाह रहा था लेकिन वो भी लगभग कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसी किस्म का इंसान हूँ जो ले नहीं पाता हूँ, ये मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट इट, ओके थैंक यू। मैंने ज़्यादा ली वाइन का, मैंने 44 बार ली, नहीं आपने 4 बार नहीं नहीं ये, लेकिन तुमने देखो तुम्हारा कंप्लेन ये रहा कि मेरी ली नहीं, मेरा कंप्लेन ये है कि मैंने बॉस की 44 बार ली और उन्होंने मेरी सिर्फ 4 बार ली, क्या फोटो पूरा सुन लो, पर तुमने अभी कैमरे बोला कि मैं ले नहीं सकता हूँ, लेता हूँ फोटो वाइन नहीं लेता और सब लेता हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, कम बैक सून, सूला वाइन्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आज का ब्लॉग कोशिश की एंटरटेनिंग करने का, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द।